उनकी सत्ता थी, मगर वो सत्ता का फायदा अपने मतदार संघ के जनता के लिए कर न पाए। सत्ता में रहता हूँ या सत्ता के बाहर का आमदार रहता हूँ ये तो मुझे अभी पता नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा जाता तो मैं 30,000 वोट से चुन के आता। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया शेख। 2019 विधानसभा के इलेक्शन के लेके हम बात करेंगे, तो नागपुर के पश्चिम से विकास ठाकरे जी ने बाजी मारी, जैसा कि सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे विकास ठाकरे जी से, जो अपने नाम में ही विकास रखते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 न्यूज़ में। जनता जानना चाहेगी कि आपके नाम में विकास जुड़ा है, और आप तो आप कितना विकास कर पाएंगे अभी आमदार बनने के बाद? नहीं, मुझे लगता है कि मैं जनता से वादा किया हूँ कि आपके जनहित के कामों के लिए रास्ते पर उतर कर जनता की लड़ाई लड़ूंगा। देखिए, ऐसी होता है कि पिछले 30 साल से हमारा कांग्रेस का वहाँ आमदार नहीं था, पिछले 10 साल से जो जनप्रतिनिधि थे उनको पिछले 5 साल सत्ता के मिले, और उस सत्ता के 5 साल के कार्यकाल में मेरे ख्याल से जनहित के कोई काम वो कर नहीं पाए, और उसका नतीजा ये होगा। इसी मुझे लग रहा है, किसी आमदार को अगर अपनी सत्ता आई, आज महानगर पालिका से लेके केंद्र शासन तक उनकी सत्ता थी, मगर वो सत्ता का फायदा अपने मतदार संघ के जनता के लिए कर न पाए, इसका दुख वहाँ की जनता को थी। जब मैं प्रचार के दरमियान घूमा तो वहाँ की जनता ने सवाल पूछे कि महंगाई बढ़ी, तो महंगाई के खिलाफ वो चिल्लाए नहीं, टैक्सेस बढ़े, हाउस टैक्स बढ़े, पानी का बिल पढ़ने के लिए महानगर पालिका की स्कूल ही बंद हुई है, आज वहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है। उनका कहना था कि अगर सत्ता थी इनकी, तो सत्ता का फायदा लेते हुए अगर ये इस मतदार संघ को डेवलप करने के पीछे लग जाते, जनहित के कामों में आगे रहते, तो उनका विरोध होता नहीं था। मुझे लगता है सत्ता में रहता हूँ या सत्ता के बाहर का आमदार रहता हूँ ये तो मुझे अभी पता नहीं है, मगर मुझे ऐसी लगता है कि मैं कहीं का भी रहूँगा, आम आदमी के हित की बात, जो आज पानी के बिल से परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है, मकान का टैक्स जो 4 गुना बढ़ा है उससे परेशान है, वहाँ पर स्कूलें नहीं है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, इस चीज़ों के लिए मैं कोई भी सरकार हो उससे लड़ते रहूँगा। महानगर पालिका ने मैंने भी महापौर पद संभाला, सत्ता भी संभाली है, और विरोधी पक्ष का भी काम किया है, दोनों का अनुभव मेरे पास है, और इस क्षेत्र की जनता के लिए राज्य की विधानसभा में आवाज़ उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम मेरा रहेगा। आम हित के आम जनता के हित में काम करना मेरा लक्ष्य है, जिससे आम आदमी को इस मतदार संघ के राहत मिलेगी, वही काम पहले प्रायोरिटी से मैं करूंगा, इसी में कहना। कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर हम अगर बात करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी, कई शिकायतें वहाँ दर्ज हुई, स्कूल से लेकर सारी चीज़ों को कंट्रोल से लेकर हर चीज़ों की, उसके बाद भी जनता ने उन्हें 3 बार चुन के दिया। अब देखना ये है कि विकास ठाकरे जी राष्ट्रवादी आमदार गजबीय जी की तरह क्या ये भी गरीबों का विकास करेंगे? की बात शुरू करते हैं विकास ठाकरे जी से कि सर, इस बार EVM में की बात अगर मैं करूं तो EVM को लेकर किसी भी कांग्रेसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्यों? EVM को लेकर विरोध, यानी इस वक्त तो EVM मशीन बंद ही गिर गई ना, 2-2 घंटा EVM मशीन बंद होने से वोटिंग का परसेंटेज घट गया, और वो EVM मशीन चालू करने के लिए इंजीनियर को बुलाना पड़ता था, और मुझे लगता है ये EVM बंद होकर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा जाता तो मैं 30,000 वोट से चुन के आता, इसी मुझे लगता है। एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा कि जनता जनार्दन होती है, जब देश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, तो सरकार क्यों अपनी बात पर अड़ी है कि वो EVM ही मशीन से ही इलेक्शन करवाएंगी? दूसरी बात सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि अगर बंटी छेड़ के आ जाते हैं, दोबारा चुन के आ जाते थे, तो क्या होता था, युवाओं में क्या एक प्रेरणा मिलती थी? नहीं, कांग्रेस ने उम्मीदवार दिए थे, अभी कुछ उम्मीदवार थोड़े कम गिर गए होंगे, मगर सब जन 4 सीटें आ जाती थी तो और हमारी ताकत बढ़ती थी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारे मतदार संघ है उसमें हम ताकत देकर
वो मतदार संघ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हमारी सीटें चुन के आनी थी और हम जो भी मतदार संघ में करना चाहे वो करेंगे, यानी कि विकास बहु एक विकास की राह चलेंगे, ऐसी जनता उम्मीद लगाए बैठी है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़, नागपुर।